सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम सब मौजूद हैं इधर नजफ़ अशरफ में और ख़बर मिली है क़िबला और नकवी साहब का पाकिस्तान में इंतकाल हो गया है। क़िबला हसन ज़फ़र साहब नजफ़ अशरफ में यहाँ के तलबा को, यहाँ पे मौजूद इराक़ में मौजूद पाकिस्तानियों को, उनके अजीज़ अक़रबा को, उनके भांजे, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला हसन ज़फ़र साहब पैगाम देंगे कि उनका सोगवार इज्तमा यहाँ होटल ज़ईफ़ुल इमाम में है। क़िबला हुक्म फरमाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परदेश में, परदेश तो नहीं कहता हूँ, मौला का देश है, मेरा घर है, अपना घर है, हम सब तरफ यहाँ। ये अफसोसनाक खबर मिली, मेरे देरीना साथी, दोस्त, इंतहाई खुश मिजाज, मिलनसार, पूरी दुनिया इस बातों की गवाही देगी जो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। इंतहाई जल्दी फौरन लोगों के दिलों में घर करने वाला अजीज़ दोस्त हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शेख मोहम्मद और नकवी साहब अब हमें नहीं रहे। अगरचे कि कई दिन से ऐसी खबरें आ रही थी तशवीशनाक उनकी सूरत हाल की, लेकिन बहरहाल हम हर जगह दुआएं कर रहे थे, करवा रहे थे, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म होता है वो नाफिज होकर रहता है। उनके भाई कज़न मेरे साथ हैं, उनका भांजा, दो हफ्ते पहले भी ये यहाँ पढ़ने आए ये लोग, उनको आते ही ये अफसोसनाक खबर मिली है। बहरहाल मैं सारी कौम को ताज़ियत पेश करता हूँ, तस्लियत पेश करता हूँ, ख़ासतौर पर उनके वालिदे बुजुर्गवार आबिद हुसैन हाथी फरवरी साहब को, उनके भाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शहशाह हुसैन नकवी साहब को, उनके ख़ानदान के तमाम अफराद को दिल की गहराइयों से ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। ख़ासतौर पर नजफ़ में मौजूद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उलमा और तलबा से गुजारिश करूँगा कि कल 10 बजे ताज़ियत यहाँ पे, यानी बरोज़ जुमा, क्योंकि ज़ाहिर है कि ज़ुहर के बाद फिर वो जुमे के बाद मुनासिब नहीं होता, यहाँ पे रमज़ान भी हैं, तो सुबह 10 बजे इसी फुंदुक ज़ईफ़ुल इमाम यानी होटल ज़ईफ़ुल इमाम में शाह रसूल अकरम नजफ़ अशरफ में ये मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है। आप अहबाब उलमा और तलाब से मेरी गुजारिश है, नजफ़ अशरफ में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तलबा और उलमा के तमाम इसमें शिरकत करें और उनके इज़्ज़त जो हमारे साथ आए हुए उनकी खिदमत में हम ताज़ियत पेश करेंगे। परवरदिगार तमाम लोगों को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। इसी मैसेज के ज़रिए जहाँ भी ये मैसेज जा रहा है, दरख्वास्त करूँगा मोमिन और मोमिनात से कि मरहूम मौलाना शेख मोहम्मद और नकवी साहब की सारे सवाब के लिए एक सूरह फातिहा ज़रूर पढ़कर बख्श दीजिए।